हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माय बिगेस्ट क्लासेस में। गाइस, ये हमारी 300 क्वेश्चनों की मास्टर सीरीज रहेगी, है ना। इसमें हम लोग पूरी हिंदी को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो आज है गाइस हमारा पहला चैप्टर हिंदी भाषा का विकास से वर्तमान तक, मतलब हिंदी भाषा का विकास वर्तमान तक कैसे कैसे हुआ उससे संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आज हम लोग इस चैप्टर के 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गाइज, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है। तो मगही बिहारी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, गीत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की समास शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में से किस कवि ने किया। तो किस कवि ने किया, बिहारी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए, यह कथन किसका था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, गोपी चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा, मिश्र बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतनात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थन किसने दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, मन्नू भंडारी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल मेघ को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो किस कृति के लिए, विश्व मिथक सरित सागर के लिए। क्वेश्चन है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है क्या। तात्पर्य है चीनी भाषा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, सोशियोर को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पैशाची बोली से है। ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी भूतकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है। तो कौन सा विदेशी स्रोत का, रोशनदास, रोशनदान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते थे। तो प्राकृत भाषा में बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है। कौन सी प्रचलित है, बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है, मागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधोलिखित में से एक भोजपुरी क्षेत्र नहीं है। कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है, कौन सी, अवधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
अधोलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो कौन सी नहीं है गाइज? बघेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साला और जामात को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? सारा, जावर, ऑप्शन नंबर बी, जामात को जावर और साला को सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? ऑप्शन नंबर डी, अवधि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ब्रज बोली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खड़ी बोली को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कौरवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कामता प्रसाद गुरुजी का है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी ही है, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की? भारोपीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भास धातु से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? ऑप्शन नंबर डी, तेलुगु नहीं आती है। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो कौन सा? खड़ी बोली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन नंबर ए, राजभाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? तो संस्कृत की अपभ्रंश पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के वर्तमान स्वरूप को विकसित और संस्कारित करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो किसका रहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर सी, मराठी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मानक हिंदी किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक पुस्तकों की भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ब्रजबुली नाम से क्या जानी जाती है? ब्रजबुली नाम से पुरानी बांग्ला भाषा जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, अवधि। ठीक है, अवधि, बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? देवनागरी लिपि का प्रारंभ गुजरात में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ? ब्राह्मी लिपि से। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है देवनागरी। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारूपी परिवार की भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है? मलयालम। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष हैं कौन थे? बीजी खैर, है ना, बीजी खैर, ये देखो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली भाषा का संबंध किस उपभाषा से है? तो ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? हाँ जी, तो बात करते हैं, भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई? 1956 में। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है?
तो किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो किससे है? 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है? तो किस भाषा की लिपि है? फारसी भाषा की। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं कि खड़ी बोली किस हिंदी की भाषा है? तो पश्चिमी हिंदी की भाषा है। मध्यकालीन आर्य भाषा किसे कहा गया है? तो किसे कहा गया? प्राकृत हिंदी को। सौर सैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? काव्य रूप में होगा, है ना, काव्य भाषा के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, मगही जो है बिहारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, किसमें? 351 अनुच्छेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, देन अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सर्वधानिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ठीक है, ये सबसे बड़ी विशेषता है, एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत होगा, डबल नहीं होगा, ये का बना है तो का ही होगा, है ना, इस तरीके से डबल नहीं वर्ण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है? तो 343 फर्स्ट के धारा के तहत, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, 73 नंबर क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? सुनीत कुमार चटर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? संस्कृत निष्ठ भाषा को कहते हैं, ठीक है। नीचे दी गई भाषा की चार विशेषताओं में से गलत विशेषता चुनिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये हमारा रॉन्ग है ना, और गलत ही हमको बताना है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। भाषा परिवर्तनशील होती है, यस होती है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, यस होती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, हाँ जी ये भी अनुकरण सही है ना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, अर्थात भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, गलत बताना, तो यही आंसर हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं? ऑप्शन नंबर डी, विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी की समकालीन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है पाली भाषा है, और जैन धर्म की प्राकृतिक, ग्वालियर की बोली है बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पाणिनी किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु जी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है? जटिलता से सरलता की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसाची से
कौन सी भाषा विकसित हुई है? तो पैसाची से कौन सी भाषा विकसित हुई है? ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इनमें से गुप्त लिपि का विकसित रूप कौन सा है? तो गाइज ऑप्शन नंबर ए, कुटिल लिपि। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेख में। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? तो वृंदावन और मथुरा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौर सैनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 89 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो गाइस अभी भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। डिंगल भाषा का संबंध किस साहित्य से है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थानी साहित्य से है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। बोली का लघुत्तम रूप है, बोली का लघुत्तम रूप क्या है? वर्ण है। भाषा की अभिव्यक्ति के कौन कौन से रूप हैं? तो मौखिक और लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, भाषा और लिपि है, भाषा और लिपि हैं क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं, भाषा और लिपि एक दूसरे की पूरक हैं। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत संघ की राजभाषा है, भारत संघ की राजभाषा है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, हिंदी भी अंग्रेजी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, पतंजलि ने किया, ठीक है, 98 का बी, पतंजलि ने किया। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, पाली है, ठीक है, पाली भाषा। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी वियोगात्मक भाषा है। तो गाइस आज के सेशन के 100 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसकी इम्पॉर्टेंट खुद ही समझ सकते हैं, है ना, इतने समझदार हैं आप लोग। तो चलिए, कैसा रहा आज का सेशन? आप लोग कमेंट और लाइक अवश्य किया करिए, ठीक है। चलिए, अगर क्लास पसंद आती है तो आप इसे शेयर करिए, है ना, अपने गाइड अपने फ्रेंडों को भी शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से गाइज हम लोग पूरी हिंदी कवर करेंगे,